दिक्कत है। अखिलेश जी वो करके लाए, अगर राहुल गांधी की छवि इतनी बदल गई है, के शर्मा कह रहे हैं बना दीजिए उनको पीएम पद का उम्मीदवार और लड़ा दीजिए नरेंद्र मोदी से। देखिए हमेशा से सदियों से चलता आया है, खोटा जो होता है ना वो असली से डरता है और उससे काफी घबराहट में रहता है, और जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो हमेशा योग्य को बदनाम करने का प्रयास करता था। सत्य को हराया नहीं जा सकता है, सत्य को बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा, ये सदियों से रहा है। झूठे लोगों का हमेशा से ये रिवाज रहा है, सत्य को सिर्फ वो सत्य को बदल नहीं सकते, सत्य को बदनाम करने का प्रयास करता रहा। वो बीजेपी है, वो जो इनके नागपुर वाले हैं वो हैं, क्योंकि उससे ये मुकाबला नहीं कर सकते, कभी खोटा असली का बराबरी नहीं कर सकता। यही यात्रा जब शुरू हुई थी तो पूरी बीजेपी ने रोजाना झूठ और अफवाह फैलाने का प्रयास किया। इनकी एक सिलेंडर गले में लेके बैठने वाली मंत्री महोदया ने बता दिया कि वहां से कन्याकुमारी से शुरू किया, विवेकानंद जी को प्रणाम ही नहीं किया, पता नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप आया झूठ यूनिवर्सिटी से, वो अपना व्हाट्सएप पे बकने लगी। तो ये प्रयास चलता रहा है। देखिए राहुल जी की जो क्षमता थी या राहुल जी का जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, वो पहले भी जो था वही अभी। हाँ, कुछ लोगों को बीच में इन लोगों ने जो भ्रमित किया था उनका भ्रम टूटा है, और इस यात्रा ने इस देश को जागृत किया है। राहुल जी ने इस देश को जागृत कर दिया कि इस झूठ के गुब्बारे की ये सच्चाई है, ये हिंसक कट्टर बर्बर विचारधारा के लोगों को पहचानो, ये जो देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये जो इस पे जो पर्दा डाले बैठे हैं, हकीकत ये है, इसके लिए उन्होंने जागृत किया और ये देश के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। आज दुनिया में, हिंदुस्तानी दुनिया में मोदी जी की छवि असत्यवादी नेता की है, कोई उनकी विश्वसनीयता नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा विश्वसनीय नेता आज आपको बीजेपी में तो कोई नहीं है। अखिलेश जी, किसी पे कोई अखिलेश जी देखिए, कम से कम आप ये मत कहिए कि राहुल गांधी में कोई बदलाव नहीं आया है। आप ये मत कहिए कि जैसे राहुल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, क्योंकि राहुल खुद कह चुके, ये राहुल गांधी के शब्द हैं कि जब मैं जमीन पर उतरा, उनके शब्द हैं ये कि मेरा घमंड टूटा। आपने मेरा सेंटेंस नहीं सुना। मेरा सेंटेंस नहीं सुना आपने। वो तो खुद इस बात को लेकर के जागृत करते हुए, देश को जागृत करना प्रथम लक्ष्य था। जो आदमी सीखता हो तो सीखा ही। हमने कहा कि जो उनकी छवि के बारे में लोगों को कुछ भ्रम पैदा कर रखा था, वो भ्रम इस यात्रा से टूटा, निश्चित रूप से टूटा। वो तो मैंने पहले भी कहा, क्योंकि लोगों को एक दिखा बीजेपी के इतने अफवाह के बाद भी 10 बार झूठ का बाकायदे ऑफिशियल स्टेटमेंट इस यात्रा में बीजेपी की तरफ से दिया गया था। रोजाना कुछ न कुछ ये अफवाह फैलाने का प्रयास करते थे। गोदी मीडिया का किस तरह से असहयोग रहा, कुछ लोगों ने सहयोग किया, लेकिन देश के जागरूक लोगों ने, जीवंत लोगों ने इसकी चर्चा की। गांव-गांव, घर घर, चौपाल, गली मोहल्ले में इसकी विचार की चर्चाएं होने लगी। पूरे देश में कौन नेता एक रखना चाहता है, सद्भाव बनाकर रखना चाहता है, जो सहिष्णुता बनाकर रखना चाहता है, जो प्यार की, मोहब्बत की बात करता है। तो अखिलेश जी देखा, एक काम करिए आज ईमानदारी से। अखिलेश जी देखिए, मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के होने के नाते, अखिलेश जी आपका 40-50 साल का एक्सपीरियंस हो गया राजनीति में, कम से कम इतना तो आप निजी तौर पर कह सकते हैं अखिलेश जी कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी अब तैयार हैं, चाहे उन्हें पीएम पद के लिए हम घोषित करें या ना करें गठबंधन की मजबूरियों की वजह से। जो सर्वे कह रहा है 35% तक उनका ग्राफ पहुंच गया है नरेंद्र मोदी के मुकाबले, आप ये तो कह सकते हैं कि वो तैयार है। देखिए, सुनिए, ये सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का जो आचरण या उसका कद काठी होता है वो लोग समझ जाते हैं। कौन पूरी सरकार
प्रधानमंत्री से लेकर के जितने बीजेपी के केंद्र के प्रदेश की सरकारें हैं दिन रात किसके पीछे पड़ी हैं पिछले 9 वर्षों से? राहुल गांधी के किसके पीछे पड़ी है? हमारे गठबंधन साथियों के भी पीछे पड़ी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक निर्णय हुआ है कौन हम लोग एक ज्वाइंट टीम की तरह से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज पूरी बीजेपी घबराती डरती किससे है, किसके पीछे दिन भर परेशान रहती है? राहुल गांधी। ओके, के शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद राजीव रंजन और आनंद विजय। के शर्मा बोलिए। हमारी टीम के साथ है, हमारी जो इंडिया की टीम है, एक मिनट हमारी जो इंडिया की टीम है, इसमें जितने लोग हैं ये सारे लोग मोदी जी से कई गुना ज्यादा योग्य काबिल।